हे काना, हे राधा, कंस महिषासुर यहाँ आने वाला है। आप लोग शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से चले जाइए। हम लोग जाएंगे क्या? आप लोग गोपेश्वर महादेव मंदिर चले जाइए। गोपेश्वर महादेव के मंदिर में कंस महिषासुर आपको कोई अहित नहीं कर पाएगा और आप दोनों वहाँ सुरक्षित रहेंगे। गुरुदेव, हम इसके लिए जा रहे हैं ताकि हमारे माता पिता और वृंदावन वासियों की रक्षा हो सके। चलो गोपी, शीघ्रता करो। शीघ्रता कीजिए प्रभु। कर्काचार्य, कहाँ है वो दोनों? परमावतार और उसकी शक्ति, परसाना की गोपी राधा। कंस महिषासुर, तुमने सारे ब्रजमंडल वासियों का तो अंत कर दिया, अब किसे ढूंढ रहे हो तुम? अरे ग्वालन के गुरुदेव, भगवान के जहां पहुंचने से पहले ही तुम हम पहुंच गए, और अब जी होली सूरत बना के बचना भी चाह रहे हो? अब सीधे सीधे बता दो, कहां छुपा के रखा है काना और राधा को, नहीं तो आपका भी है जाएगो मक्खन। भद्राक्ष, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। भगवान, अब तो मुए पक्को विश्वास है गयो है कि कान्हा और राधा को जे ग्वालन के गुरुदेव ने कहीं छिपा के रखो है। अब जय ही बताएंगे, पूछो इनसे। नारायण नारायण, माते ये तो अनर्थ हो रहा है। महिषासुर रूपी कंस अपनी योजनाओं में सफल हो रहा है माते। उसने एक ही प्रहार में सभी ब्रिजवासियों का अंत कर दिया और अब वो देवी राधा और परम अवतार श्री कृष्ण को ढूंढ रहा है। माते, क्या देवी राधा और परम अवतार श्री कृष्ण में इतनी भी शक्ति नहीं कि वे दोनों मिलकर इस पापी कंस का अंत कर सके? देव ऋषि, प्रश्न शक्ति का नहीं, शक्ति के प्रयोग का है। राधा और कान्हा प्रकृति और पुरुष हैं। यदि ये दोनों मिलकर संसार की रचना कर सकते हैं तो संसार की बुरी शक्तियों का विनाश भी। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वे दोनों इस महिषासुरूपी कंस से छिप क्यों रहे हैं। देव ऋषि, वे छुप नहीं रहे, अपितु गुरुदेव के साथ मिलकर महिषासुरूपी कंस के अंत की योजना बना रहे हैं। योजना बना रहे हैं, उस शक्ति को जागृत करने का मार्ग ढूंढ रहे हैं जिससे कि उसका अंत हो सके। नारायण नारायण, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। माते, ग्रंथों के क्या था, मैं जानता हूं कि तेरी आस्था भगवान कंस में नहीं, उस चलिए विष्णु में है, और तू उन बालकों को बचाने का प्रयास अवश्य करेगा। इसलिए अंतिम बार कह रहा हूं, उस ग्वाले और ग्वालन के बारे में बताने में तूने थोड़ी भी आनाकानी की तो तेरा कंस नाम सत्य कर दूंगा। कंस रूपी महिषासुर, तुम राधा और काना को नहीं ढूंढ रहे, अपितु स्वयं अपनी मृत्यु को ढूंढ रहे हो। बस केवल कंस महिषासुर के अंत की घड़ी नियत होनी शेष है। यदि तुम्हें लगता है कि महिषासुर का शरीर धारण करके तुम अजर अमर हो गए हो, यदि तुम्हें लगता है कि कंस और महिषासुर के संयोजन के कारण परमावतार तुम्हें मार नहीं पाएंगे, तो ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारा अंत परमावतार श्री कृष्ण के हाथों निश्चित है। सहिता रचयिता, ग्रंथों का अध्ययन कर करके तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वैसे भी तेरे जैसे आचार्य लेखक यथार्थ में कम और स्वप्न के संसार में अधिक विचरण करते हैं, इसलिए तेरा अनर्गल प्रलाप मेरे लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो मेरा ये खड़क।
जो तेरे सर को धड़ से विभाजित कर देगा। भगवान रुकिए, रुकिए भगवान, शांत है जाइए, शांत है जाइए भगवान। आपने पहले ही सारे वृंदावन वासियों का कंसनाम सत्य कर दियो है। अब बचे हैं केवल जे तीन, कान्हा, राधा और जे ग्वालन के गुरुदेव। तो अब बचेंगे तो, वैसे भी उनका ये गुरुदेव राधा और कान्हा का पता नहीं बताने वाला, इसलिए विष्णु भक्त कर का चार है, अब हमारे किसी काम को नहीं। भगवान, जब आप कान्हा और राधा का अंत करोगे तो कोई तो है ना चाहिए साक्षी, कोई तो है ना चाहिए जो संसार में जाके सबको ये बताएगो कि भगवान कंस ने आकाशवाणी को झूठो सिद्ध कर दियो है। तो अब ये लिखेगा मेरे पराक्रम की गाथा। हाँ भगवान, इसीलिए इनका जीवित रहना अति आवश्यक है। गोपी, वो मंदिर के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हो, तुम यही रुकना, मैं अभी गया और अभी आया। क्यों ग्वाली, क्या तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो? गोपी, ऐसी बात नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ, किंतु मुझे देखने जाना है क्यों कंस महिषासुर क्या कर रहा है। हाँ ग्वाली, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। गोपी, कंस महिषासुर मुझे और तुम्हें ढूंढ रहा है, यदि हम दोनों कंस महिषासुर को एक साथ ही मिल गए तो अपनी योजना में सफल हो जाएगा, इसलिए अभी हमारा अलग अलग रहना ही उचित है। ठीक है ग्वाली, चली जाओ, किंतु कंस महिषासुर से बचकर रहना, वो कभी भी तुम पर आक्रमण कर सकता है। ठीक है गोपी, किंतु गोपी जब तक मैं ना हूँ तुम इस गोपेश्वर मंदिर से बाहर मत निकलना। ठीक है गोपी। इधर उधर कहाँ देख रहे हो? नहीं हूँ। तो अंततः तू आ ही गया परम अवतार, किंतु सब ब्रजवासियों के मरने के बाद आया है स्वार्थी, बड़ी देर कर दी आते आते। हाँ कंस महिषासुर, तो मुझे इतनी श्रद्धा से पुकार रहे थे कि मुझे आना ही पड़ा। आज मैं तेरा काल बन कर आया हूँ कान्हा, आज इसी बरसाना में तेरा अंत होगा। कंस की मृत्यु की आकाशवाणी आज मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। कंस महिषासुर की शक्ति से तुझे कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी, तेरी शक्ति कहाँ है? वो कहाँ है राधा? कंस महिषासुर, मेरी शक्ति तो मेरे भीतर ही है, किंतु यदि राधा मेरे साथ होती ना तो तुम्हें बोलने का इतना अवसर नहीं मिलता, अब तक तो तुम्हारा अंत हो गया होता। अंत तो तेरा होगा परम अवतार। अब देख, मैं तुझे कंस महिषासुर की शक्ति दिखाता हूँ। दिखाओ दिखाओ, अरे मैं भी तो देखूं कंस महिषासुर की शक्ति। नियत्ते पर वार कर दूं मैं, यदि ऐसे मैं तुझे मार भी देता हूं तो मेरी महिमा क्या होगी? कहाँ है तेरे शस्त्र? कंस महिषासुर, ये ग्वालों की धरती है और तुम्हारे जैसे शुरु के लिए तो हम ग्वालों की लाठी प्राप्त से अधिक है, किंतु तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कहाँ है महिषासुर? से देख इस शस्त्र को, इसी शस्त्र से आज तेरा अंत होगा।
देश असुर कि हम ग्वालों की लाठी तुम्हारे जैसे असुर के लिए प्राप्त है, ठीक है? नारायण नारायण प्रभु, एक साधारण सी लाठी में इतनी शक्ति, ये कैसे संभव हुआ प्रभु? देव ऋषि, यही तो आपके प्रभु की महिमा है। यदि वे कोई सूक्ष्म वस्तु भी धारण कर ले तो वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है। नारायण नारायण, सत्य वचन माते, सत्य वचन, मेरे प्रभु की लीला परम्पार। भगवान भगवान, ये कैसा डंडो है? अपने आप ही बड़ो हो जातो है, अपने आप ही छोटो हो जातो है। पहले इसकी लाठी काटूंगा, उसके पश्चात इसे। देखा कंस महिषासुर, तुम बालक की छोटी सी लाठी का सामना नहीं कर पा रहे हो। परम अवतार, कंस में ससुर तो नहीं आ गया? हमें शीघ्र ही चलकर देखना ही होगा। नारायण प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए, अन्यथा महिषासुर के रूप में ये कंस देवी राधा का अंत कर देगा और देवी राधा के जीवन का अंत अर्थात परम अवतार श्री कृष्ण का अंत।
जाएगी। धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा। गौरी, क्या वो हमारे जीवन का अंत हो जाएगा? कभी नहीं मिलेंगे? हम कभी अलग हुए हैं क्या? इस संसार की कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। गोपी, अपना हाथ दो। मैं इस कंस महिषासुर का वध तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। गोपी, आज प्रकृति और पुरुष का मिलन नहीं होने देंगे। यदि ये दोनों मिलेंगे तो अपनी अपनी मृत्यु से और पुरुष के मिलन को आज मैंने खंडित कर दिया। विष्णु का वो पूर्ण अवतार जो कंस की मृत्यु बनकर आया था, वो अपनी और अपनी उस शक्ति की रक्षा तक नहीं कर पाया। आज कंस की मृत्यु की वो आकाशवाणी मिथ्या सिद्ध हो गई। कंस अजर, अमर, अविनाशी हो गया। हे परमपिता, आप इस सृष्टि के विधाता प्रकृति के नियामक हैं। क्या कंस जैसा असुर इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो विधि के विधान को ही परिवर्तित कर दे? क्या कंस महिषासुर का अपरिवर्तित संयोजन जगत पालक विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार का अंत करने में सक्षम है? परमपिता इंद्रदेव, कंस महिषासुर का संयोजन अप्राकृतिक किंतु सत्य है। और ये भी सत्य है कि इस प्रकार की शक्तियां सृष्टि के नियमों का अतिक्रमण करने में सक्षम होती हैं। प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो गया? प्रभु, ये कैसे हुआ? ना मेरा हृदय स्वीकार कर पा रहा और ना ही मेरी आंखें विश्वास कर पा रही हैं। प्रभु, देवी राधा और परम अवतार श्री कृष्ण का अंत, इस संसार से धर्म का अंत, ये कैसे हो सकता है? प्रभु, ये कैसे हो सकता है? नहीं प्रभु, कह दीजिए कि ये मिथ्या है, इसमें आपकी कोई लीला है ना बातें? इसमें मेरे प्रभु की कोई लीला है ना? ओ चक्रधारी विष्णु, ना तो तेरा उद्भव होता है और ना ही अंत, किंतु देख, आज कंस महिषासुर ने तेरे पूर्ण अवतार काना और तेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी की अवतार राधा का अंत कर दिया। अब तो नीचे उतारा, मैं जानता हूँ तो कंस महिषासुर की शक्ति से भयभीत हो गया है, नीचे नहीं आएगा, माता, तुझे तेरे लोग सहित यही से समाप्त कर दूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, यह धर्मी तो आपको ही चुनौती दे रहा है। महिषासुर का रूप धारण करके इस कंस का अहंकार इतना विकराल हो गया है कि इसका स्वर विष्णु लोक तक पहुंचने लगा है। प्रभु,
आपको इसको दंड देना ही होगा प्रभु। इसका अंत कीजिए प्रभु, इसका अंत कीजिए। आज तेरा निधन होगा अनादि निधान। ओ मैं प्रभु, प्रभु आज तू कंस के हाथों मारा जाएगा। तू स्वयं को शाश्वत मानता है ना, तो आज तू सदा सदा के लिए